आज हम बनाएंगे बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप इसे पीते ही एनर्जेटिक फील करेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं बादाम, सूखे खजूर और अखरोट। ये मैं 3 जनों के लिए बना रही हूँ, तो क्वांटिटी मैंने इस हिसाब से ली है। अगर आप 1 जनों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इन तीनों को भी एक बोल में डाल देंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इन्हें रात भर भीगने रख देंगे। अगर आपको इन्हें जल्दी बनाना है तो आप इन्हें गर्म दूध में भी आधे घंटे के लिए भिगाकर सॉफ्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसे रात भर फ्रिज में ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें रात भर भीगने रखना ही बेहतर है। तो देखिए अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इसमें सूखे खजूर भी डाले थे, तो इसमें से हम बीन्स निकाल देंगे। आप सूखे खजूर की बजाय ये नॉर्मल वाले खजूर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इन सबको एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब मैं इसमें 750 ml दूध डाल रही हूँ। अगर आप इसे 1 जनों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 250 ml दूध डालिए। मैं इसमें 100 ग्राम चीनी भी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इसे और हेल्दी बनाना है तो आप चीनी की बजाय इसमें शहद का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने इसमें डेट्स भी यूज़ किए हैं तो आप चीनी या शहद दोनों को भी ओमिट कर सकते हैं। आप इसे सुबह पियेंगे तो पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है, तो आप इसे डेली भी पी सकते हैं। तो बस अब हम इसे स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे और हमारा डिलीशियस ड्राई फ्रूट मिल्क शेक रेडी है। और थोड़े बच्चे जो खाने के लिए ज़िद करते हैं या उन्हें भूख कम लगती है, उसमें बच्चे अक्सर वीक और दुबले हो जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं कि रात में 1 गिलास दूध में 3 सूखे खजूर भीगने रखकर उन्हें सुबह निहार पेट पिला सकते हैं। आपको इससे ज़रूर कुछ डिफरेंस दिखेगा। या आप ये ड्राई फ्रूट मिल्क शेक भी दे सकते हैं और हर उम्र के लोग इसका सेवन कर सकते हैं सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।